लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्लू आजा बेटे, खाना खा ले। खास तेरे लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। रवि बोलो, तुम्हारे बड़े भैया खिचड़ी खाने से मना कर रहे हैं और हमारे पास तो कितना सारा चाइनीज खाना पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, ये खाना भैया को दे देते हैं, भैया खा भी लेंगे और आज उनका टेस्ट भी बदल जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको निशा, झूठा खाना खिलाओगी भैया को। ओफो, मुझे मालूम नहीं था एक मॉडर्न आदमी होते हुए भी तुम इतने नैरो माइंडेड हो। हाउ मीन यू आर, आफ्टर ऑल फूड इज फूड, और वो भी कांटे छुरी से खाया गया चाइनीज खाना कभी झूठा होता है? होता है, जरूर होता है। छोटे भाई और बहू का झूठा खाना बड़े भैया खाएं, ये रिवाज तुम्हारे घर में चलता होगा, हमारे घर में नहीं। माई फुट, डोंट ट्राई टू टीच मी मैनर्स। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, दोबारा मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करना। ओके ओके, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, प्लीज बैठ जाओ खाना खाओ। मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बेकार की बातें मत करो निशा, मैं कहता हूँ प्लीज प्लीज खाना खा लो। छोटी छोटी बातों में इतना टेंशन क्यों क्रिएट करती हो तुम, प्लीज बैठ जाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे रवि, ए रवि। जी भैया। अरे क्या बात है, बहू को नाराज क्या कर रहा है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात है कैसे नहीं, देख नई बहू है, घर में पहली बार आई है, उसे किस चीज की कमी है हमें बता, हम उसकी कमी पूरी कर देंगे, लेकिन तू बहू का ध्यान रख भाई। रहने दीजिए, किसी को मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बहू खाते पीते घर से आई है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। वैसे आप झूठी हमदर्दी तो ऐसे जता रहे हैं जैसे आपने अपनी बहू को महल में लाकर रख दिया हो। एक ही कमरे में टीवी, फ्रिज, डबल बेड, डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ, सारी दुनिया भर का सामान लाकर रख दिया है। आइए आइए अंदर आकर अपनी ही आंखों से देखिए, ये कमरा नहीं कबूतर खाना लगता है, कबूतर खाना। यहाँ तो आदमी का दम घुट जाएगा, वो बिना मारे मर जाएगा। पता नहीं मेरे बाकी के 3 दिन यहाँ कैसे कटेंगे। ओहो मम्मी, मेरे मना करने के बाद भी आप किचन में क्यों आई? लेकिन बेटे, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मम्मी, जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तो आपने बहुत काम किया, अब इस बहू को काम करने दो, और वैसे भी इस घर में नौकरों की कोई कमी है क्या? नहीं बेटे, मगर तू तो मायके जा रही थी, फिर किचन में क्यों आई? बेकार में तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। हो जाने दो मम्मी, और हाँ मेरे होते हुए आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त पर? मुझे जल्दी से दादी बना दे। ओ मम्मी मेरी प्यारी बहू। माँ माँ। अरे ज्योति, कैसी है बेटी, घर में सब ठीक ठाक तो है? ये किसके कपड़े धो रही हो माँ? वो हुआ ही है कि पिंकी आज खाना बनाने में सच्चाई को ढकने की किस लिए कोशिश कर रही हो माँ? ये नाटी भाभी की है, मगर तुम क्यों धो रही हो? बेटी पिंकी सर्फ में भिगो के गई थी, मैंने सोचा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सो कपड़े ही धो डालूं। इसका मतलब है कि पिछले 4 दिनों से तुम और पिंकी भाभी के कपड़े धो रही हो? तो क्या हुआ, अगर मैं या पिंकी बहू के कपड़े धो देते हैं तो कौन से छोटे हो जाते हैं, फिर वो हमारी मेहमान है? नहीं माँ, मेहमान नहीं, वो इस घर की सिर्फ बहू है, और कोई बहू अपनी सास को नौकरानी नहीं बना सकती। पिंकी, ओ पिंकी। क्या है दीदी? छोटी छोटी बातों पर तू माँ से जुबान लड़ा सकती है, लेकिन गलत काम के लिए अपनी भाभी को मना नहीं कर सकती? किधर है भाभी? कमरे में है भाभी। बेटी मेरी बात तो सुन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तुम चुप रहो माँ। भाभी गला फटकर क्यों चिल्ला रही हो? लो आ गई भाभी, बोलो क्या है। जान बूझ कर अनजान मत बनो, और ये बताओ भाभी कि अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोती हो तुम? शर्म आनी चाहिए, चलो फौरन अपने कपड़े धो डालो। माय फुट, ऐसे छोटे काम करने की आदत नहीं मुझे। तो आदत डालो, घर गृहस्थी के जो अच्छे काम तुमने अपने पिता के घर पर नहीं किए उन्हें पति के घर पर करो। जिन मर्यादाओं को तुमने मायके में नहीं सीखा उन्हें अपने ससुराल में सीखो, उनका पालन करो। किस अधिकार से ये सब लेक्चर दे रही हो तुम मुझे ज्योति? तुम्हारे जैसी भाभी को गलत काम करने से रोकने वाली एक ननद के अधिकार से, एक बहू होने के नाते तुम्हारे जैसी बहू को भले बुरे का ज्ञान कराने के अधिकार से, और इस घर की बेटी होने के अधिकार से, अधिकार अपने भाई बहनों पर जताओ, मुझ पर नहीं ज्योति। मैं किसी कीमत पर अपने कपड़े नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी। तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे। डोंट शाउट,
मैं यहाँ किसी का हुक्म सुनने नहीं आई हूँ, समझी? अपने करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं। हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हो तो मैं भी अपने अरबपति ससुर की इकलौती बहू हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने सास से उतरन कपड़े धुलवाऊँ, उनको अपनी नौकरानी बनाऊँ, उनकी बेइज्जती करूँ। अरे ज्योति, ए ज्योति। हाँ जी भैया। क्या बात है, काहे चिल्ला रही है? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ भैया, अब आप ही बताओ, भाभी के उतरन कपड़े माँ क्यों धोएगी? ये कहाँ करे बात है? अच्छा बाबा, पिंकी धोलिया करेगी। हाँ पिंकी चलो। ठहर पिंकी। नहीं भैया, ज्योति ठीक कह रही है, ये गलत बात है। निशा, ये सब क्या हो रहा है? मैं भैया के साथ आधे घंटे के लिए घर से बाहर क्या चला गया, तुमने तो सारे घर को अपने सर पे उठा लिया। घंटे दो घंटे चुप नहीं रह सकती थी तुम? क्यों माँ से कपड़े धुलवाए तुमने? बहुत कह लिया तुमने मिस्टर रवि। वैसे ही मैं इस घटिया घर में आने के लिए कतई तैयार नहीं थी। तुम्हें ने मेरी खुशामद की, मेरे हाथ जोड़े कि निशा डार्लिंग एक हफ्ते के लिए हमारे घर चली चलो, नहीं तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे घर में सभी तुम्हें प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। ये इज्जत दी है तुम्हारी चहेती बहन ने मुझे। अब तो इस थर्ड क्लास घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। निशा रुक जाओ बहू। सुनो भाभी, इन गीले कपड़ों को भी अपने साथ लेती जाओ। अरे ज्योति तुम क्या बोल रही हो? बहू देखो, हम तुम्हारे बड़े भाई के समान हैं। तुम अगर इस घर से चली गई तो हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहू वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया जब आपकी लाडली बहन चिल्ला चिल्ला कर मेरा जनाजा निकाल रही थी? तब आप सब लोगों के मुंह पर ताला क्यों लग गया था? बोलो, तुम झूठ बोल रही हो भाभी। मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की, बल्कि तुमने ही माँ की बेइज्जती की है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सुन लिया, सुन लिया आपने? क्या सुन लिया? चुप हो जा ज्योति, चुप हो जा। तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की क्या जरूरत है? हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा इस घर से क्या लेना देना? जाओ जाकर अपना घर संभालो, हम अपना घर संभाल लेंगे, जाओ। सही कहा आपने भैया, एकदम सही कहा। मुझसे गलती हो गई, मैं भूली गई थी कि मेरा इस घर से कन्यादान हुआ है, और इस दुनिया में दान दी हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई अधिकार नहीं होता भैया, उसका कोई अधिकार नहीं होता। खैर ज्योति, कहाँ जा रही है? वही जहाँ मेरे अपने हैं माँ। इस घर की सुख शांति में आग लगाकर तुम्हारे दिल को शांति मिल गई? अपनी आवाज को काबू में रखो मिस्टर, अब तुम और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश मत करो। मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो आओ मेरे पीछे। मेरे भाई, तेरे आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, हम लोगों के लिए खामोखा तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में जहर मत खो। देख, अपनी गृहस्थी जाकर संभाल, बहू के साथ प्यार से रहना। जा। बिल्लू, तुम समझने की कोशिश करो, ये हर घर की कहानी होती है, किसी घर में कम किसी घर में ज्यादा कहा सुनी तो होती ही रहती है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे सोचने से क्या फायदा? जो लोग रास्ता भूल जाते हैं वो वक्त की ठोकरे खाने के बाद सीधे रास्ते आ जाते हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? घर से बाहर, थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो मन का बोझ भी हल्का होगा। नहीं आशा, कहीं जाने का हमारा मन नहीं करता। अरे कैसे नहीं करता, देखो मैं इतनी बदसूरत तो नहीं कि तुम पर लोग हंसेंगे। चलो उठो, चलो। आशा हमारी बात तो सुनो। अरे ऐसा कब तक चलेगा अनिल? मुझ पर भरोसा रखो पिंकी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से 25 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। फैक्ट्री तो लगती ही रहेगी, पहले तुम मुझसे शादी तो कर लो। यही तो समस्या है पिंकी, तुम मेरे मम्मी पापा को नहीं जानती, वो दहेज के बहुत लालची हैं। लेकिन लेकिन भैया दहेज कहाँ से देंगे? डार्लिंग, हर बीमारी का इलाज हमारे पास है। अरे आखिर तुमने अपने अनिल को समझ क्या रखा है? क्या मतलब? मतलब ये पिंकी, तुम तो जानती हो कि मेरा छोटा मोटा कारोबार तो चल ही रहा है, और पिछले 3 साल में मैंने करीब 70-80 हजार रुपए बैंक में जमा करके रखे हैं। वही रुपया मैं तुम्हारे बिल्लू भैया को दे दूंगा,
और तुम्हारे भैया वही रुपया हमारी शादी में मेरे माँ बाप को दहेज में दे देंगे। ड्रामा फिट और हमारी शादी बिना किसी झंझट के हो जाएगी। अरे अब तो खुश हो ना? नहीं अनिल, भैया तुमसे कभी पैसे नहीं लेंगे। इधर आओ। ये लड़का मुझे काफी समझदार लगता है, इसके साथ पिंकी का जीवन सुखी रहेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर जब तक इसकी फैक्ट्री शुरू नहीं हो जाती ये लड़का शादी नहीं कर सकता। इसमें परेशानी की क्या बात है, ये काम तुम्हारे करोड़पति बहनों के लिए मामूली बात है। वो काफी इन्फ्लुएंशियल पहुंच वाला आदमी है, वो अनिल को किसी भी बैंक से आसानी से लोन दिलवा देगा। ठीक है, हम आज ही विजय से बात करते हैं। ज्योति! क्या बात है? ज्योति! ज्योति! इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे कहाँ हो भाई? लो, आ गई। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मी डैडी को सी ऑफ करने गई थी, वो दोनों दिल्ली गए हैं। व्हाट? मम्मी डैडी गॉन, वेरी गुड। थोड़ी सी शर्म तो करो बेशरम। ओह, अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। You know, darling, there is no censor between husband and wife. हाँ हाँ समझ गई। तुम हमेशा जानबूझकर तौलिया के बिना बाथरूम में घुस जाते हो। बहुत बुरी आदत हो गई है तुम्हारी। क्यों इतनी शरारत करते हो मेरे साथ? अरे माय स्वीट डार्लिंग, अभी तक शरारत की मेन पिक्चर ही कहाँ शुरू हुई है। अभी तो मैंने उसका एक छोटा सा ट्रेलर पेश किया है, यानी कि नमूना। सबसे पहले ऑडियंस को टाइटल दिखाए जाएंगे, उसके बाद फिल्म का पहला सीन, बाद में हीरो हीरोइन में रोमांस, डायलॉग बाजी, उसके बाद इंटरवल, और उसके बाद क्लाइमेक्स में हम दोनों की क्लोज टू क्लोज जबरदस्त फाइट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम? मैं बताता हूं। उसके बाद हैप्पी एंडिंग विद अ क्राइंग साउंड। क्राइंग साउंड? यस, क्राइंग साउंड। ये लो तौलिया, आजकल तुम बहुत बेकार की बातें करने लगे हो। अरे ये बातें बेकार की नहीं, इंतजार की हैं, इकरार की हैं, मीठे मीठे प्यार की हैं। अरे मोरे फूल सुंगी, ये क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए डार्लिंग, कम ऑन। तुमने मुझे गीला कर दिया। ये 19 रील की फिल्म है डार्लिंग, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे भैया आप? अरे विजय। प्रणाम भैया। प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो, हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे। अच्छा हो तुम्हें रास्ते में मिल गए। भाई तुम्हें उसे कुछ जरूरी बातें करनी। हाँ हाँ बताइए ना। अरे जो, अरे ये गाड़ी में चुपचाप क्यों बैठी हुई है? अरे ज्योति भैया सामने खड़े हैं, अभी तक प्रणाम नहीं किया। ये सोशल फिल्म में सस्पेंस चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। दरअसल ज्योति को मैंने डांट के घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए अब तक मुझसे नाराज है। क्यों ज्योति, अपने बड़े भैया को कभी माफ नहीं करेगी? हुँ? नहीं भैया ऐसा मत कहिए। चलिए हैप्पी एंडिंग तो हो गया, अब बताइए भैया क्या बात है? हम सोच रहे हैं कि पिंकी की शादी कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन लड़का कौन है? लड़का बहुत अच्छा है, हमने उसे पसंद कर लिया है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है। वो अपनी नई फैक्ट्री के लिए बैंक से कर्जा लेना चाहता है। अरे डन 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 डन, ये तो मेरे लिए बात का खेल है। ये समझ लीजिए कि मेरा एक फोन गया और उसको बैंक से कर्जा मिल गया। चलिए भैया आज ही शाम को चल के लड़के के माँ बाप से बात करते हैं। क्यों ज्योति? अरे विजय बाबू, इस शहर का कोई समझदार आदमी आपके लाए हुए रिश्ते को ठुकरा सकता है? बस समझ लीजिए, आज से हमारा लल्ला अनिल आपका हुआ और आपकी पिंकी हमारी बहुरानी। जी आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू चाची। अगर आप आज्ञा दें तो पंडित से मिलकर हम शादी का मुहूर्त निकलवा लें। ठहरिए साहब ठहरिए, पहले हमारा लल्ला, ये अब मेरा मतलब है कि घर संभालने लायक तो हो जाए। क्यों लल्ला की अम्मा? हाँ, चार पैसे कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, शादी ब्याह का आनंद तभी तो आएगा। अरे चाची समझदार को इशारा काफी होता है। मैं अनिल से उसकी फैक्ट्री के बारे में बात कर लूंगा और सरकार से लोन तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। हाँ बस यूँ समझ लीजिए चाची कि उसकी फैक्ट्री लग गई। डन 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 डन। हाँ अच्छा, और कुछ जो कुछ भी मतलब के कहना सुनना हो वो कह सुन लेंगे। अजी आपसे क्या कहना और क्या सुनना, अपने घर की तो बात है। क्यों है? और नहीं तो क्या, अब साहब हम दोनों तो दहेज के सख्त विरोधी हैं। हाँ। लेकिन क्या करें, समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना पड़ता है।
क्यों लल्ला की अम्मा? हाँ लल्ला के बापू, वैसे आजकल मामूली आदमी भी 20-25 तोले सोना दे ही देता है, वो तो आप दे देंगे। रहे कलर टीवी, फ्रिज, सोफा सेट वगैरह वगैरह, वो तो हर लड़की अपने साथ घर ले जाती है, वो सामान भी आप दे देंगे, क्यों लल्ला के बापू? भैया ये बुढ़ा और बुढ़िया दोनों बड़े खुसर लगते हैं, अब यहाँ कर देते हैं, बाद में जो कुछ भी होगा देख लेंगे। जी हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे, हम हर हिसाब से तैयार हैं। देखिए जी, हम मियाँ बीवी बड़े सीधे साधे लोग हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी बड़े ही खराब हैं। बहुत ही खराब साहब। हाँ, अगर आपकी बहन दहेज में कुछ कम बढ़ती लाई तो उसे ऐसे ताने देंगे ऐसे ताने देंगे कि बेचारी शर्म के मारे अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेगी। और लोग कहेंगे कि सास ने दहेज के लालच में बहू को जला डाला। अरे हम उसकी नौबत आने नहीं देंगे चाची, हम अपनी पिंकी को गैस का चूल्हा देंगे, ना होगा मिट्टी का तेल और ना लगेगी आग। क्यों भैया? भैया भैया सगाई भले आज हो या कल, लेकिन हमारे लल्ला की शादी तभी होगी भैया जब उसकी फैक्ट्री शुरू हो जाए, भले 2-3 साल लग जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है साहब। जी अब आज्ञा दें, हम पंडित जी से सगाई की तारीख पक्की करके आपको खबर देते हैं।